गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और हमको यहाँ से चेकआउट करना है। तो हम लोगों ने पैकिंग थोड़ी पहले करके रख ली थी रात में, सोकर उठी अभी लिटरली। ब्रांच हो रहा है तो मैं ब्लॉग जो है बालकनी में आके कर रही हूँ। तो अभी हमें चेकआउट करना है, तो सामान जस्ट जो है ना पैक कर लिया था हम लोगों ने, मैंने तो सब रख लिया था। तो गाइस हम निकल रहे हैं, बस मैं चेक कर रही हूँ लास्ट टाइम कुछ बचा तो नहीं है, रूम में कुछ रह तो नहीं गया। वैसे तो सब कुछ पैक कर लिया था, नहीं है कुछ भी। आगे मिल जाएंगे, उन्होंने आगे से ले लेना। लोग ना आना सागर नहीं आए थे, तो अब हम ना आना सागर आए। हमने कहा था हम चाहते हुए जरूर जाएंगे यहाँ पे। देखो ना कितना सारा पानी है यार, कितना खूबसूरत है ये। बीच में वहाँ पे यार ये देखो ये कितना बड़ा है। सच्ची करामात है कि ये जो सारा समुद्र का पानी है ना, ये ख्वाजा साहब के कासे में आ गया था, सिर्फ एक छोटे से कासे में। लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि हम लोग जा कर रहे हैं। हम लोगों ने ना पहले मतलब प्लान बनाया था जयपुर का अजमेर से, लेकिन जयपुर घूमे हुए हैं तो वहाँ जाने का दोबारा से मन नहीं कर रहा। हमने सोचा कि आगरा जाते हैं, क्योंकि हम आगरा अभी तक नहीं आए हैं। सोचा कि चलो वहीं चलते हैं, वैसे भी घर वो रास्ते में मतलब वही रूट रहते हैं सेम। हम चाय पीने के लिए रुके हैं। सुबह का ट्रैवल बहुत खतरनाक होता है, नींद से उठ के बहुत नींद आ रही है। उठते ही सबसे पहले अंडे खाओ। ये दूध आ गया बेटा, लो। बच्चों का सही है, बच्चे आराम से अपना बेड बेड बना लेते हैं कार में। क्या हुआ गरम है क्या? क्यों ना पी रही है? तुम्हारा भी कम से कम 5 चाय पी रही है। अल्लाह तौबा करो, यहीं पे आके पी रही हूँ क्योंकि मुझे जागना है। तुम तो सही है, तुम्हारा सो रहा हो, तुम्हें कोई रास्ते वास्ते नहीं बताने। आगरा पहुँचा दो 1 घंटे में। देखो ये ना मुझे चिप्स खिला रहा है। ये सही है यार, वॉशरूम के बाहर फीमेल और मेल लिखने की जगह ना फीमेल पिक बना दिया और ये मेल का बना दिया। यार क्या अल्टीमेट है यार, ये पहली बार देखा, बढ़िया था यार ये। तो हमारे घर में ना नाच चल रही है एक नबी की, तो हम वो सुन रहे हैं और मैं पूछूंगी सबसे कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब हमें उस चीज से क्या सीख मिलती है। सोना था सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। और गरीबी में परेशानी में टाइम काटना, अल्लाह का हर चीज में शुक्र अदा करना। उन्होंने क्या कहते हैं मतलब चाहते तो वो बादशाहत में भी जी सकते थे, मगर क्या कहते हैं मतलब उन्होंने जो जिस तरीके से जिया है वो उस सबको बताया है उन्होंने। बिल्कुल सही भाई, यही वाली बात है, मतलब बादशाही में उन्होंने फकीरी की, मतलब वो तो बादशाह थे जन्नत के। तो वो क्या कहते हैं मतलब वो बादशाहत में जी सकते थे ना। हाँ इसी चीज से हमें सीख मिलती है क्या इंसान को ना कभी भी पैसे की या दौलत शोहरत की किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा घमंड नहीं होना चाहिए। और क्योंकि सबसे ज्यादा जो मतलब जन्नत के सरदार अपने अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हमारे हुजूर को, हमारे नबी को किसी चीज की तलब नहीं थी। उन्होंने जब वो बादशाह थे तब भी उन्होंने एक फकीरी की तरह जिंदगी गुजारी थी अपनी, पेट पर पत्थर बांध के रहे थे वो भूख में। चाहते तो उनके लिए जन्नत से खाना और सारी चीजें उनके लिए सब कुछ आ सकता था, लेकिन फिर भी उन्होंने सब्र किया और अल्लाह का शुक्र किया। तो हमें भी इस चीज की सीख मिलती है कि हमें भी सब्र करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए अल्लाह का, जिस भी हाल में रखे अल्लाह ताला नवाज रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो अल्लाह ताला वक्त आने पर बहुत कुछ नवाजेगा इंशाल्लाह। ना हम लोग जयपुर पहुंच गए हैं और आगरा अभी भी 200 समथिंग किलोमीटर है। तो हम लोग एक ढाबे पर फिर से रुके हैं क्योंकि साथ में बुराक है, वहाँ तो दूध नहीं पीता है इतना, लेकिन बुराक को चाहिए होता है। तो हम लोग सोचा बुराक का दूध गर्म करवा लेते हैं और इसी बहाने हम लोग चाय पी लेते हैं। तो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये कुल्लड़ बहुत क्यूट है यार, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखो कितना प्यारा कुल्लड़ है ना ये, मुझे इतना क्यूट लग रहा है, मन कर रहा है इसकी चाय पी करना, इसे घर ले जाऊँ मैं। आई थिंक इसको मटका कुल्लड़ बोलेंगे। सब लोग बाहर बैठे, मैं नहीं गई हूँ, मैं सिर्फ कार में बैठी हूँ क्योंकि मैंने सोचा मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। बहुत सारा डेटा फ़ोन में हो गया मेरे, इतना वीडियो शॉर्ट रील्स ब्लॉग तो फोटोज़ वगैरह सब इतना ढेर सारा हो गया कि फ़ोन में मेरे स्पेस नहीं बचा बिल्कुल भी। तो इसलिए मैंने कहा तुम लोग जाओ उतर के और मैं यहाँ पर एडिटिंग करती हूँ आराम से बैठ के।
वो देखो सब लोग कैसे बैठे हुए सब। हम लोग आ गए हैं आगरा। किसी दिन ना मिनी मेट्रो बन जाए, उसके बाद रात के 12 बजे ही चलेंगे। मिनी मेट्रो बन जाए या मेट्रो स्टेशन बन जाए? मेट्रो स्टेशन। तो भाई हम आ गए हैं आगरा, अभी हम होटल लेने के लिए जा रहे हैं और फिर हम ताज व्यू देखेंगे उसके बाद। तो गाइस हम लोग आ गए हैं आगरा के होटल में, चेक इन कर लिया। मैं आप लोगों को होटल का रूम टूर करवा देती हूँ। देखो दोनों बाथटब, आप कह रहे थे ना जो है ना महाराजा, मतलब महाराजा रूम लिया है, मतलब एक ही रूम लिया है। तो ये इसका वॉशरूम है, यहाँ का लॉबी एरिया, यहाँ सोफा और एक ये सिंगल बेड है, ये है डबल बेड रूम, और यहाँ पर ये हमारा एलईडी एरिया आ गया, ये विंडो है बाहर की। शावर लेकर आ गई मैं और अभी हम जा रहे हैं नीचे, मार्केट जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही कुछ खाने पीने का देखने के लिए। होटल में खाना मज़ा नहीं आता। तो होटल से जो है शायद बहुत दूर है, हमें पता नहीं है मार्केट है कहाँ, लेकिन ऑटो के थ्रू रिक्शा के थ्रू जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। और शॉपिंग वगैरह वाली, शॉपिंग कपड़ों की, जूतों की, इंस्टाग्राम मार्केट रहती है, उनमें हो जाती है। अब हम आए हैं आगरा के सदर बाजार मार्केट। तो ये देखो यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। हमने गूगल किया है और अंकल को बुक किया है, हमने बस खाने पीने की चीज़ें ली हैं। मार्केट हमने एक्सप्लोर की तो हमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इस होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ये लाया हम इमरती, यहाँ पे ऐसी इमरती, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ के दुकानदार इतने गुस्से में क्यों थे? मैंने उसको स्पेक्स लेने के लिए मना कर दिया। नीचे भाग के वो सिर मार रहा है, सिर सरप्राइज लो, सिर मार रहा है सिर, फिर बैठ जाएगा। हम इतनी मेहनत से लेके आए और ये कह रही है मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। वो सच बोल रहे बता रही है। अब आंटी नहीं खाओगे? मैंने खाने वाला, मैंने नहीं खानी। क्यों? नाम खिलाना आप खानी है। अब आन तो गाइस हम लोग ना आगरा के मार्केट में घूम रहे हैं, खाना लेने आए हम लोग यहाँ से। हम लाए बाहर से खाना, सब बैठे हैं भूखे। वाह 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 माशाल्लाह, पहला लुक माँ बीवी को। हम सब लोग जो है ना वो आ गए हैं टेरेस पर, सोचा थोड़ा सा नाइट व्यू देखते हैं, और यहाँ से ये आगरा का नाइट व्यू दिख रहा है। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गया, पता है क्या? आज जब हमने होटल लिया था ना, तो उनसे कहा था कि हमें जो है ना ताज व्यू चाहिए है, और मैंने तो ऊपर भी चढ़ के देख लिया, लेकिन मुझे तो भाई ताजमहल यहाँ से कहीं भी नहीं दिख रहा। वो अपनी कार चला रहा है, कौन सी कार है ये? रेसिंग कार। गाइस अभी बचे हैं रात का एक, मैंने सोचा ब्लॉगिंग ही एंड कर देती हूँ और मिलते हैं आप लोगों से कल। कल हमारे इस ट्रिप का लास्ट डे है, तो कल न्यू ब्लॉग के साथ मिलते हैं। अभी गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।